हेलो एवरीवन, फैटिक टू एक्टिव चैनल में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज की हमारी वेरी स्पेशल एंड वेरी टेस्टी डिश है ब्लैक चना पैटीज। ब्लैक चना पैटीज को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो हम कुछ टाइम बाद में भी खा सकते हैं, और हम अभी इमीडिएटली बनाने के लिए भी उसे परोस सकते हैं। इसे खाने के बाद आप बाहर की चाट एंड बाहर की आलू टिक्की खाना जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है कि आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने चिक पीस या ब्लैक चना को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल करके रखा है। सबसे पहले मैं फ्राई पैन पे एक चम्मच घी लेके उसमें जीरा डालूंगी और उसे अच्छी तरीके से सोड़ लूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी लीव्स, थोड़ा सा कड़ी लीव्स हो जाए फ्राई, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। मसाले डालने में सबसे पहले मैंने डाला है चना मसाला, ब्लैक चना मसाले। के बाद मैं डाल रही हूँ रेड चिली, सॉल्ट एंड जीरा मसाला। अब मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और मैं डाल रही हूँ काला नमक। साथ में मैंने चाट मसाला डाला है और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ चने के साथ। चने में को अंदर इसमें मसाले एब्जॉर्ब करने के लिए इसको एक बार फ्राई पैन पे इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे इसके मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर चले जाते हैं। देखिए, ये हमारे बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम ब्रेड को क्रम्स बनाने के लिए मैंने माइक्रोवेव में ब्रेड किया है और इसे मिक्सी में मिक्स कर दिया है। ये ब्राउन ब्रेड मैंने ली है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए ब्राउन ब्रेड यदि आपको चॉइस लगे तो वो ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने ब्लैक चने को मिक्सी में डाल दिया है और इसे हम बिना पानी डाले इसे दरदरा पीस लेते हैं इस फॉर्म में। मैं बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कर रही हूँ, बस एक बार मिक्सी में चला लें और इस टाइप से हमें पेस्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो हाथ से दबा के भी मिक्स कर सकते हैं मिक्सी को बिना यूज़ किए, पर एक बार मिक्सी में चला देंगे तो ऐसे मोटा पेस्ट बन जाता है। अब मैं इसमें पनीर डाल देती हूँ और ऊपर से मैं डालूँगी बहुत सारा धनिया या कोरिएंडर लीव्स और साथ में डालूँगी मिंट लीव्स। यदि मिंट लीव्स नहीं है तो थोड़ा सा मेथी वगैरह भी डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, पर मिंट लीव्स की खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में मैंने डाला लाल मिर्च और आमचूर, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब मसाले डाल चुकी हूँ, पर पनीर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला और हो जाए इसलिए मैंने रेड चिली और आमचूर यूज़ किया है। पर नमक वगैरह हम पहले ही डाल चुके हैं तो अब और नहीं डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम राउंड शेप में या किसी और शेप में, किसी भी फॉर्म में आप बना के रख सकते हैं। मैंने इसे राउंड शेप में बनाया है और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। ये हमारी चना पैटीज बनके रेडी हो गई हैं। अब इसे हमें शैलो फ्राई करना है। इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक तवे पे ऑयल से ग्रीस कर दिया है और मैं इन टिक्कियों को इसमें रख दूंगी। मैंने पहले तवे को अच्छी तरीके से तेज फ्लेम में गरम किया है, फिर कम में किया है। अब मैं कर्ड में सम धनिया एंड मिंट लीव्स डाल के ब्लैक पेपर और नमक डाल लूँगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के इसे मिक्स कर देंगे। इमीडिएट खाने के लिए थोड़ी सी अच्छी थिक कर्ड को यदि आप यूज़ करें और इसमें मिंट और फ्रेश मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स डाल के ऐसे पेस्ट बना के रख दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, ये हमारी टिक्कियाँ धीरे कम आँच पर रेडी हो गई हैं। इसे लगा देते हैं। काला चना रिच इन फाइबर्स होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा ये रिच इन प्रोटीन्स होता है, जो कि फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। अब इसके ऊपर हम लोग जो हमारा कर्ड का हमने पेस्ट बनाया था ये लगा देते हैं। इसे फ्रेश कोरिएंडर और मिंट लीव्स का भी टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बाकी बची हुई टिक्कियों को भी मैं अब बना लेती हूँ और इसे बना के हम अलग रख देते हैं। ये ठंडा होने के बाद आप इसे बॉक्स में डाल के
फ्रिज में रख सकते हैं और इसे हफ्ते पूरे हफ्ते में कभी भी यूज़ कर सकते हैं निकाल के। इसे आप बर्गर में डाल के पैटीज को यूज़ कर सकते हैं, सब्वे में डाल के यूज़ कर सकते हैं और सैलेड में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये सबका टेस्ट बहुत बढ़ा देंगे। ये इतनी टेस्टी है और इतनी यमी है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा इसका टेस्ट। तो ये डिश जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे इमीडिएट खाने के लिए ऐसे खाइए और साथ में टिक्की बनाने के लिए रख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।